जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। साथियों, जैसा कि आप सभी के सामने न्यूमेरिकल सीरीज का शुभारंभ किया जा चुका है, न्यूमेरिकल सीरीज के इस शानदार कंसेप्ट के तहत मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के टेक्निक बाय टेक्निक 6 टेक्निक सोल्व करवा चुका हूँ। साथियों, हमने न्यूमेरिकल को टेक्निक बाय टेक्निक सोल्व किया है। मेरा ये प्रयास है कि आपको किसी टेक्निक से अछूता न रखा जाए, आपको हर टेक्निक के बारे में पूरी और सही जानकारी दी जाए, जो आपको 12वीं क्लास के साथ डिप्लोमा और JEE नीट के साथ साथ हर कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करता रहे। साथियों, आप देख सकते हैं कि पिछले 6 लेक्चरों के माध्यम से शानदार तरीके से 1 बाय 1 6 टेक्निक सिखाई गई हैं। आज आपके सामने 7th टेक्निक को पेश करने जा रहा हूँ। 7th टेक्निक है न्यूमेरिकल फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्विटोरियल लाइन। अगर इक्विटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। साथियों, गॉर्जियस एक्सप्रेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाया है कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो इक्विटोरियल लाइन पर अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना हो तो उसकी शानदार एक्सप्रेशन होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द इक्विटोरियल लाइन इज गिवन बाय KP/R² + A² ⁻³² यदि इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण तो उसकी गॉर्जियस एक्सप्रेशन होती है KP/R² + A² ⁻³। यहाँ K इलेक्ट्रोस्टेटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। P है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और इस P की कैलकुलेशन कर सकते हैं हम P = Q×2E। P यहाँ डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर भी आप डाइपोल को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पहला नॉर्मल डाइपोल, दूसरा शो डाइपोल। नॉर्मल डाइपोल की पहचान कैसे होगी? नॉर्मल डाइपोल की पहचान होगी R और A का रेशो निकाल लीजिए। यदि R और A का रेशो 20 या 20 से कम हो तो ये आपका नॉर्मल डाइपोल की श्रेणी में आएगा, और ऐसी स्थिति में E का फॉर्मूला आप सेम यही इस्तेमाल करेंगे जो आपने डिराइव किया था, KP/R² + A² ⁻³। लेकिन एक स्पेशल प्रकार का डाइपोल है जिसका नाम है शो डाइपोल, और शो डाइपोल उस डाइपोल को कहेंगे यदि R/A की वैल्यू 20 से ज़्यादा हो। यदि R/A की वैल्यू 20 से ज़्यादा उसे हम शो डाइपोल कहेंगे, और ऐसी स्थिति में A को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, और नेग्लिजिबल मानेंगे तो ये बन जाएगा R² / 3/2। ये से कट गया तो दिस बिकम KP/RQ। ओके दोस्तों, तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा कि आखिरकार कौन सा नॉर्मल है कौन सा शॉर्ट है। उसकी पहचान मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बताई है, यदि R/A का रेशो 20 या 20 से कम है तो उसे आप नॉर्मल मानिए, और यदि R/A की वैल्यू 20 से ज़्यादा है तो उसे आप शॉर्ट मानिए। क्लियर दोस्तों? तो ये कंसेप्ट बेहद इजी और वेरी टेक्निकल और वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे बड़े ध्यान से एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। तो आप तैयार हो जाइए न्यूमेरिकल के लिए। एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर, 2 चार्जेज 20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट।
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। साथियों, दो चार्ज हैं, एक प्लस 20 माइक्रोकूलम का है, दूसरा माइनस 20 माइक्रोकूलम का है। दोनों के बीच में दूरी एक सेंटीमीटर की है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पर जो इक्विटोरियल लाइन पर है और 50 सेंटीमीटर दूर है सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो बड़ा ही गॉर्जियस, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से समझ के आप यथाशक्ति डायग्राम बनाइए। आपके पास एक डाइपोल है जिसमें माइनस 20 माइक्रोकूलम और प्लस 20 माइक्रोकूलम के दो चार्ज हैं और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर की है। इसकी सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन पी इक्विटोरियल पर, उसकी जो दूरी है वो है 50 सेंटीमीटर। तो आपको इस पी पॉइंट पर जो इक्विटोरियल पॉइंट है आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर दोस्तों? आपको एक डाइपोल दिया हुआ है जिसमें दो चार्ज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग अलग है, दोनों के बीच में दूरी एक सेंटीमीटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर पी पॉइंट है 50 सेंटीमीटर पर। तो आपको इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया। और क्लियर? तो सबसे पहले देखिए क्या गिवन है। तो इस न्यूमेरिकल को देखकर, इस डायग्राम को देखकर क्लियर है कि चार्ज हमें दिया हुआ है कितना, 20 माइक्रोकूलम। इसे कूलम में चेंज कर लीजिए तो एक माइक्रोकूलम में होता है 10^-6 कूलम। जो 2a है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज कर लीजिए तो क्या आएगा, 10^-2 मीटर। आर यह आपका 50 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में चेंज कर दीजिए 10^-2 मीटर। क्लियर दोस्तों? क्यू दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम ये कैसे करें? साथियों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो उसको पहले समझिए। अब ये दिख रहा है कि भाई ये इक्विटोरियल का शानदार न्यूमेरिकल है, तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि आखिर इसमें फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करें, है कि नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये नॉर्मल है या सूट है। और इसकी पहचान मैंने आपको क्या बताई है कि आर और ए का रेशो निकाल लो। तो आर और ए का रेशो निकालो। आर कितना है यहाँ पे, 50 सेंटीमीटर, और ए कितना है हमारा, 2a अगर 1 सेंटीमीटर तो ये क्या होगा, 1/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिए तो कितना आ गया, 100 आ गया। आपको हमने बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताई है, अगर आर अपोन ए की वैल्यू 20 या 20 से कम हो तो वो नॉर्मल डाइपोल है, और आर अपोन ए की वैल्यू 20 से ज़्यादा है तो वो शॉर्ट डाइपोल है। यहाँ आर अपोन ए की वैल्यू 20 से ज़्यादा है कि कम है बताओ, 20 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट डाइपोल। क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा KP/RQ, जो मैंने आपको अभी डिराइव करके बताया भी है। अब यहाँ पे के इलेक्ट्रोस्टेटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 9×10^9। पी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, पी का फॉर्मूला क्या होता है, Q×2a। क्यू कितना है दोस्तों, 20 माइक्रोकूलम, और 2a कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 20×10^-8 कूलम मीटर। पक्का? क्यों दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, हमने ये पुट कर दिया तो ये हमारा p आ गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 20×10^-8। r r कितना है हमारे पास, 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो गॉर्जियस, फैंटास्टिक, जबरदस्त आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया। तो बड़ा ही गॉर्जियस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। साथियों, न्यूमेरिकल की जो शानदार बेस है वो है आपका
बेसिक कंसेप्ट। इसलिए कंसेप्ट एक्सप्रेशन जिसको अच्छी प्रकार से आते हैं वो न्यूमेरिकल में कभी मार नहीं खा सकता। इसलिए अपना बेस मजबूत कीजिए। मैंने आपका बेस मजबूत करने के लिए कितने सारे लेक्चर आपके सामने पेश किए हैं, आप देख सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपके बीच में मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको शानदार लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें मेरा केवल एक ही इच्छा है कि आप किसी भी तरीके से 100% तरीके से अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएं। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना ही मेरा धर्म है और मेरा कर्म है। मेरा केवल एक ही आपसे कहना है कि आप पढ़ाई में मजबूत बनिए। अगर आप अपने आप को मजबूत रखेंगे, अगर आप हिम्मत और जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। इसलिए पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ आई एम द बेस्ट, आई कैन डू का नारा लगाते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहेंगे, फिर मिलेंगे और नए शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।